फिलहाल देश के क्रिकेट प्रेमियों की नजर इंदौर के होलकर स्टेडियम पर है, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। बड़ी संख्या में स्टेडियम में दर्शक इंडियन टीम को चीयर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को चीयर करने के लिए विदेशी दर्शक भी होलकर स्टेडियम में मौजूद रहे। क्रिकेट मैच को लेकर रोमांच सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। यहां फैंस अपने पसंदीदा क्रिकेट की जर्सी पहने पहुंच रही हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच जिसका रोमांच इंदौर शहर में देखने को मिलता है, यही रोमांच आपको सड़कों पे भी नजर आएगा। लोग आते हैं जाते हैं, चाहे कोई टी शर्ट्स खरीदता है, कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम की ड्रेसअप खरीदता है, कोई गॉगल्स लगाकर मैच का आनंद लेता है, टोपी का क्रेज जबरदस्त नजर आता है। क्या कहना है भाई साहब आप? स्टेडियम में मैच देखना है तो चश्मा लगाना पड़ेगा मेरा भाई। हाँ मेरी जान, क्या बात है। देखिए ये अपना एक अलग क्रेज है। क्या लगता है कि जब शुरुआत में जो क्रिकेट मैच शुरू हुआ था, किस तरह का क्रेज लोगों में नजर आ रहा है? क्या आप लोगों का माल भी बिका है या क्या स्थिति है? हाँ बिका है, थोड़ा थोड़ा करके बिका है। जेहेतु टेस्ट मैच चल रहा है इसलिए थोड़ा थोड़ा, वन डे में टू ट्वेंटी में बहुत ज्यादा चलता है टी शर्ट। वनडे और टी ट्वेंटी में ज्यादा क्रेज नहीं रहा। अभी तो 5 दिन है, 5 दिनों में कई बार कई लोग आएंगे, आराम से आएंगे। वर्किंग डे का भी फर्क फर्क पहले दिन ज्यादा चलता है, उसके बाद थरा थरा चलता है टी शर्ट। शुरुआती दौर में थोड़ा सा क्रेज कम है, लोग भी अभी स्टेडियम में कम नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे मैच रोमांचक होता है, जब ज्यादा क्रेज रहता है या ज्यादा आप लोगों की बिक्री होती है। सब सब स्टेडियम ही होता है, थोड़ा कम और बेसी होता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो क्रेज तो नज़र आ रहा है और काफ़ी हद तक दर्शकों से स्टेडियम भरा भी है, लेकिन जो उम्मीद की जाती है वनडे या फिर टी ट्वेंटी में, उतनी संख्या में क्रिकेट टेस्ट मैच में कम लोग नज़र आते हैं। आज हमारे साथ में देखिए एक और प्लेयर हैं जो कि व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, शहजाद भाई हमारे साथ हैं। क्या है, मैच देखने के लिए आए हैं आप लोग और आपकी टीम कहाँ है? मेरी टीम अंदर है और कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ धीरे धीरे आएंगे। 5 दिन का मैच है तो इसलिए सारी पूरी टीम एक एक दिन छोड़ छोड़ के जिसको जैसी फुर्सत मिलेगी वैसे आएंगे हम। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इंडिया की ओपनिंग? उम्मीद तो ये कर रहे हैं कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा रन चेस करें, क्योंकि 5 दिन तक टेस्ट और टी वनडे और टी ट्वेंटी ने टेस्ट की बहुत हालत ख़राब कर दी है, क्योंकि सब मारने की उससे खेलते हैं तो इसलिए विकेट गिर पतन जल्दी जल्दी होगा। तो इसका ध्यान रखना है अपनी टीम इंडिया को और ज़्यादा से ज़्यादा रन कवर करना। भारत के शुरुआती काफ़ी झटके लगे हैं, अच्छे स्टार बल्लेबाज जा चुके हैं, क्या उम्मीद करते हैं आगे कैसा मैच चलेगा? अरे जो खिलाड़ी बचे हैं आगे, ये उम्मीद है कि जो खिलाड़ी बचे हैं वो अपने संयम से खेलें और निश्चित ही एक दिन तो पूरा बैटिंग कवर करें। क्रिकेट का जबरदस्त क्रेज है और क्रेज के साथ ही लोग यहाँ पर मैच देखने के लिए भी पहुँच रहे हैं। सर क्या उम्मीदें रखते हैं आप इंदौर में क्रिकेट को लेकर, किस तरह की आशा है आप लोगों को कि क्या चलेगा? टेस्ट मैच इंदौर में दूसरी बार हो रहा है और बड़ा हर्ष का विषय है, और हम तो यही कामना करेंगे कि इंडिया जो है वो बैटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए और लगातार तीसरी जीत दर्ज करे। लेकिन 5 शुरुआती झटके, आगे भी लग रहा है कि उम्मीद है कि क्या बेहतर खेल पाएंगे बाकी के प्लेयर? इंडिया का तो ऐसा ही है कि शुरुआत में ओपनिंग बल्लेबाज अपने जो है वो अच्छा खेलते हैं, उसके बाद 5 के बाद अपने पीछे उछल्ले बल्लेबाज वो अपनी लाज बचाते हैं, और हर्ष का विषय ये रहेगा या अपन ऐसा कह सकते हैं कि 150 रन बन गए तो हम ऑस्ट्रेलिया को 150 के अंदर भी आउट करेंगे। देखिए कोहली की जो बियर्ड है उसका काफ़ी एक क्रेज नज़र आता है, लेकिन यहाँ कुछ थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हुई नज़र आ रही है, क्या क्रिकेट में किसके फ़ैन हैं? मैं विराट कोहली, रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों। रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्या उम्मीदें करते हैं आज भारत का मैच शुरू हुआ? मैं जब भी 2 कलर के जूते पहन के आता हूँ तो इंडिया जीतती है। अरे भाई ये एक नया कलेवर में देखिए आप, ये एक नया क्रेज है, इस तरह का एक नया सिस्टम आप लोग ये पहली बार देख रहे होंगे, पर कई बार ग्राउंड में भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कलर्स के शूज़ पहने हुए नज़र आते हैं। क्या लग रहा है सर कि क्या ये मैच 5 दिनों तक लगातार चलेगा या 2-3 दिन में ही खत्म हो जाएगा? 3 दिन में फिनिश हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट इंडिया जीतेगी। रिजल्ट इंडिया जीतेगी, और इंडिया को लेकर हमेशा जो उम्मीदें हैं आप लोगों की वो बरकरार है। आपकी क्या उम्मीदें हैं इंडिया की? क्या अपना इंडिया ही अपना मेन है, इंडिया ही जीतेगी ना। इंडिया
हमेशा जीतती आई, हमेशा जीतती रहेगी। जिस तरह से अभी शुरुआती झटके हम लोगों को लगे हैं, भारतीय टीम को लगे हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी इतनी कठिनाई होगी इस पिच पर खेलने में? ज्यादा कठिनाई होगी इसमें, इंडिया फिर भी नंबर वन पर अपना रहेगा बिल्कुल, टेस्ट जीत कर। हाँ बिल्कुल, टेस्ट ये दो दिन में या तीन दिन में खत्म होगा, लेकिन अपने इंडिया ही रहेगा। बात कुल मिला के बात इतनी है कि चाहे शुरुआती झटके लग चुके हों भारत को, लेकिन जीत जो है वो भारत की ही होगी, यही उम्मीद है सभी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो चेयरअप के द्वारा हो या अपने दुआओं के द्वारा हो, ये भारत की जीत हासिल हो, दो दिन में हो, तीन दिन में हो, या मैच पाँच दिनों तक चले, लेकिन जीत जो हो वो भारत की हो। कैमरा पर्सन अर्पित के साथ में हेमंत शर्मा, एशियन भारत।